मूसलाधार मुसीबत की मार मुंबई पर भी पड़ी है। मुंबई में भारी बारिश के बाद कुर्ला ईस्ट में बंटारा भवन के आसपास के इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मुंबई में रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटे के अंदर 300 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। पानी बहुत भर गया है, लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश का असर मुंबई के बस और लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है। बारिश के कारण मुंबई के सभी स्कूल पहले सत्र की छुट्टी उनकी कर दी गई है, बंद हैं। विले पार्ले में वेस्टर्न हाईवे पर बारिश से ट्रैफिक जाम हो गया है, तो वहीं विद्या विहार रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर भी पानी भर चुका है, जलभराव है। किंग्स सर्कल की बात की जाए, यहाँ पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक तक को रोकना पड़ गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, सड़कों पर जो पानी भर गया है उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई है, कई गाड़ियां पानी में फंस भी गई हैं। और ये देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी मुंबई का बेहतर नहीं है, जिसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई है। ऑटो वाले अपने ऑटो को खींचते हुए सड़क पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कई बाइक सवार भी यहाँ पर परेशानी से जूझ रहे हैं, पैदल भी लोग छाता लेकर निकल रहे हैं। यही हाल मुंबई के निचले इलाकों का भी है। आफत की बारिश कैसे मुंबई के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार चूँकि बारिश हो रही है, ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। ये बस भी देखिए पानी में, आधे से ज़्यादा बस के टायर डूबे हैं और चलने को मजबूर है। सुबह का ये वक्त और लाइट जलाकर बस चलाई जा रही है, इसे सुरक्षित इस सड़क से निकाला जा रहा है। अंधेरी, कुर्ला, किंग्स सर्कल और चेंबूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे ख़राब स्थिति चेंबूर में नज़र आ रही है, पूरा ऑटो पानी में डूबा हुआ है। कुर्ला की सड़कों में भी पानी भरा हुआ है। साकेत राय हमारे सहयोगी वकोला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, ये कुर्ला मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हाल बेहद ख़राब है, लोगों को परेशानी हो रही है। वकोला की बात की जाए, वहाँ किस तरह की स्थिति और मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की माने तो आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। जितनी बारिश फिलहाल कल रात से हो रही है, उतनी बारिश होने की संभावनाएं नहीं जताई गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की तस्वीरें जो हम हर साल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस साल भी कुछ अलग नहीं है। बीएमसी के दावे कई होते हैं, लेकिन सारे दावे जो हैं पहली ही बारिश और जो कुछ घंटों की बारिश में वो सामने आ जाते हैं कि सारे दावे खोखले हैं। इस साल भी हमने देखा कि हर साल बारिश के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है और उसमें आंकड़े बताए जाते हैं कि इतने ड्रेनेज सिस्टम लगाए गए हैं, इस तरह के निकाय को पानी को निकालने के लिए जो ये है, इस तरह इस साल इतनी तैयारियां की गई हैं, 400 से ज़्यादा मोटर लगाए गए हैं। लेकिन आप इस वक्त पुलिस स्टेशन की तस्वीरें देखिए, आपको पुलिस के कर्मचारी यहां पर खड़े हुए नज़र आएंगे। ये आम दिनों में, मैं आपको बताऊं, आपको फिलहाल तस्वीरें देख के लग रहा होगा कि कोई झील समंदर है, बट आम दिनों में ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए आते हैं, और फिलहाल जो तस्वीरें हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, चूँकि इस पूरे सड़क पर पानी भरा हुआ है, यही कारण है कि इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और उसकी वजह से आप सड़कों पर भी देखिए दूसरी तरफ कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। लोग जो हैं वो फिलहाल जिस तरह से पूरी की पूरी सड़कें जाम हैं, लोग पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं, और वहां गाड़ियां भी आपको उसी हालत में दिखेंगी। लोग जिन्हें जो इस तरफ रहते हैं उनकी तो मजबूरी है, उनको तो इस तरफ से गुजरना ही है, लेकिन आपको बता दें फिलहाल सावधानी के तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। बीएमसी के कर्मचारी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर यहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए आए थे। और आपको बताएं, मुंबई में फिलहाल इसी प्रकार की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पिछले 7 से 8 घंटों से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, और यही कारण है कि मुंबई में फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। खासतौर पर आज सोमवार का दिन है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बोरीवली इस वेस्टर्न सब में रहते हों या फिर सेंट्रल लाइन के लोग हों, खासतौर पर बदलापुर और टिटवाला जो इलाका है, वहां से बड़ी संख्या में लोग मुंबई की तरफ अपनी नौकरी और अपने काम के सिलसिले में आते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, ट्रेनें फिलहाल लेट चल रही हैं, एयरपोर्ट पर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि हो सकता है आपकी फ्लाइट डिले हों या कैंसिल हो गई हों, ऐसे में आप निकलने से पहले इस बात को जरूर जांच लें कि क्या परिस्थिति है, क्योंकि फिलहाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साकेत। आप तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जो ट्रेन्स रेलवे स्टेशन पे आती हैं वहां पानी भरा हुआ है, रेलवे लाइंस पर पानी भरा हुआ है। पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आपने दिखाई, आप भी अपना ख्याल रखें, सतर्क होकर रिपोर्टिंग करें, तस्वीरें हम तक पहुंचाएं। इसी बीच दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सेंताक्रूज वेस्ट की अगर बात की जाए, वहां किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां कैसे हालात है, क्योंकि मुंबई के ज्यादातर इलाके, खासकर जो निचले इलाके हैं, वहां तो पानी भरा हुआ है।
जी देखिए, तस्वीरें ही दिखाता हूँ मैं आपको, उससे आप समझिए कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये शहर शांताक्रूज का ये जो हिस्सा है वो दरिया में तब्दील हो चुका है। गाड़ियाँ जो किनारों पे खड़ी हैं वो पानी में डूबी हुई है। जो लोग हैं वो रात से इसी तरह की स्थिति में हैं। गनीमत यही है कि अब तक ये जो पानी है वो उनके घरों में नहीं आया है। लगभग जो दुकानें हैं वो पूरी दुकानें यहाँ पर फिलहाल बंद करनी पड़ी है। और जो बड़ा सवाल है कि बीएमसी ने कहा था कि इस बार पानी नहीं भरेगा, हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वाटर पंप्स कहाँ है? अगर पंप्स होते तो यहाँ पर ये पानी इतना नहीं होना चाहिए था। ये इसकी दूसरी तस्वीर भी ये है कि पिछले 7 घंटे में मुंबई शहर में 110 mm, मुंबई पश्चिम उपनगर जिस जगह हम यहाँ पर है यहाँ 146 mm, और मुंबई ईस्टर्न सबब में 7 घंटे में 150 mm। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। इसकी जो उम्मीद प्रशासन को भी नहीं थी, लेकिन जितने तैयारियों का दावा किया गया था वो तमाम तैयारियां जो है वो खोखली नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, ऑटो डूबा हुआ है, अन्य जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो भी डूबे हुए। तो ये स्थिति बताने के लिए काफ़ी कि किस तरह से पहली बारिश में मुंबई जो है पूरी तरह से घुटनों पर आ गई है। मुंबई कर्स, आज हफ्ते का पहला दिन है, जोशना हज़ारों की संख्या में लोग जो अपने घरों से निकले काम पर जाने के लिए, लेकिन जगह जगह ये लोग परेशान हैं। इस तरह से जलभराव होने की वजह से वो अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक तस्वीर सिर्फ इस एक जगह की नहीं है, मुंबई के पश्चिम उपनगर और पूर्व उपनगर में कई जगहों पर इसी तरह से लोग परेशान हैं। जलभराव के बीच से उन्हें रास्ता निकालकर अपने काम पर जाने का प्रयास करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति बता रही है कि मुंबई करों के लिए आज का ये दिन आसान होने वाला नहीं है। सुबह 6 बजे से ही इस तरह से अलग अलग इलाकों से परेशान मुंबई करों की तस्वीरें आ रही हैं, जो चाह कर भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राहत की बात यही है कि जिस जगह इस समय मैं खड़ा हूं यहां पर फिलहाल बरसात रुकी हुई है। अगर बरसात रुकी रही तो उम्मीद करें कि पानी को जल निकालने का प्रयास जो है और तेज किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुंबई की सड़कों और रेलवे ट्रैक्स का हाल लगातार हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी परेशानी का सबब बना हुआ है मौसम की जो मार मुंबई पर पड़ रही है। और उसके अलावा जो तैयारियां हैं वो भी छोटी साबित हो रही हैं। मुंबई में अंधेरी सबवे में पूरी तरह से पानी भर चुका है, जिसकी वजह से शहर का एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो गया है। देखिए, लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से मुंबई में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी इलाके में और अंधेरी सबवे को जलभराव की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से तेज़ बहाव से पानी जो है वो इस सबवे में बह रहा है, और इसी वजह से इस सबवे को बंद रखने का फैसला प्रशासन ने लिया है। अंधेरी सबवे का शहर के प्रमुख सबवेज में से एक है। अंधेरी पूर्व को अंधेरी पश्चिम इलाके से जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग है, जहां से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन इस समय आप देखिए स्थिति क्या है, किस तरह से पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुका है ये सबवे, और यहां से गाड़ियां ना गुजरे इसीलिए प्रशासन की तरफ से इस तरह से रोप लगाए गए हैं, ताकि जो ड्राइवर्स हैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से सबवे से गुजरने की कोशिश करते हैं उन्हें रोका जा सके। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बीएमसी कर्मचारियों को लगाया गया है, साथ ही में यहाँ पर इस रोप को भी देखिए, सड़क के दोनों तरफ इस तरह से ऐसे रोप लगाए गए हैं ताकि गाड़ियों को रोका जा सके, किसी तरह का कोई हादसा ना हो। तो ये स्थिति सिर्फ इस एक जगह पर नहीं है, बल्कि मुंबई के पश्चिम इलाके में जो अन्य सबवे हैं वहाँ पर भी इसी तरह से जलभराव सबवे में हुआ है, उसे भी बंद कर दिया गया है। मुंबई कर जो आज सुबह अपने घरों से निकले हैं काम पर जाने के लिए, हफ्ते का पहला दिन है, वो सभी परेशान है क्योंकि कई जगहों पर जलभराव हुआ है। और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि दिन भर आज मूसलाधार बरसात हो सकती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो तभी लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति है वहाँ पर जाने से आम लोग बचे, साथ ही में कई स्कूलों को भी आज एहतियात के तौर पर बंद रखा जा रहा है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।